Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है, तो उसका वक्त कम्प्लीट हुआ और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुशखबरी क्या है। खुशखबरी, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि जी हमारी सैलरी बढ़ गई, कोई कहता है छुट्टियाँ बहाल हो गई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। इलेक्शन तक किसी को कोई भी छुट्टी नहीं मिल रही है, तो इसलिए आप खुश ना हो, ना ही सैलरी बढ़ी है। इंशाल्लाह जून में इम्कान है सैलरी बढ़ने का, जनवरी में मेरा नहीं ख्याल कि किसी की सैलरी बढ़ती है, और जिसकी बढ़ गई है उसके झूले लाल है। अच्छा जी, मैं आ चुका हूँ, मेरी हालत आप देख चुके थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जैसे कि सोए परेशान है मुझे ज़बरदस्ती, कुछ बीमारी की वजह से मैं ना आ सका था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चलने के काबिल हो गया हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ट्रीटमेंट के लिए आऊँ ताकि दूसरी सर्जरी से पहले एक अच्छा लुक हॉस्पिटल, यार समझा करो ना, कुछ बंदा जाता है शशकों में। तो अभी हम आए हैं दीप शानी, कैसे हैं आप शानी भाई? शानी भाई की तारुफ भी मैं आपको कराता चलूँगा। शानी भाई जो है एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट नहीं मैं लीजेंड बोलूँगा इस फील्ड में, इनको ये लीजेंड है। और आपका नज़रिया बहुत महंगा नहीं, अच्छा इनका कहना है कि मेरा नज़रिया महंगा है, नज़रिया मेरा महंगा नहीं है, मैं इनके हुनर की, इनके फ़न की तारीफ़ कर रहा हूँ। और मैं इंशाल्लाह वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये पाकिस्तान के बेहतरीन आर्टिस्टों के साथ काम कर चुके हैं, खुद भी ये आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन आर्टिस्टों के साथ इन्होंने काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में, और तकरीबन जो है ये पोलर लाइन में रहे। और ऐसा आप बेहतरीन सलून न्यू कराची और नॉर्थ कराची और जबकि सरजानी की लोकेशन पर मैंने नहीं देखा। शानी भाई क्या करने वाले हैं आप मेरे इस घोंसले के साथ? सरप्राइज देने वाले हैं वहाँ। अच्छा सरप्राइज देने वाले हैं। ओ गाइस, शानी भाई कह रहे हैं कि मैंने सरप्राइज देने वाले, कितने टाइम बाद तकरीबन कट रहे होंगे आप देख सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा ये जो है एक डेढ़ मंथ इस वजह से हुआ है क्योंकि मैं आपको बताया हॉस्पिटलाइज था, सर्जरी की वजह से जो है स्टेप्स उतरना चढ़ना हो नहीं रहा था, बेड रेस्ट की वजह से जो है बाल काफ़ी हो गए थे। और अच्छा शानी भाई को अपना हुनर दिखाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, तो लेट्स सी सारी जो है। और अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी आपके भाई की इंशाल्लाह, इसके बाद देखते हैं आप शानी भाई क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ये तो शानी भाई बताएंगे। और आप पक्का सरप्राइज देने वाले हैं? ऐसा तो नहीं है कहीं टेंट हो जाए? टेंट तो नहीं होनी? नहीं नहीं। अच्छा टेंट भी हो सकती है, शानी भाई कह रहे हैं जो हो सकता है अच्छा हो सकता है, टेंट भी अच्छी होती है। तो देखते हैं गाइस आगे इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको जो है बताते रहते हैं, लेकिन कंटिन्यू मैं पकड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं अपना जो है पॉट लेकर नहीं आया और उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। असल में अचानक जो है आना पड़ा है, तो कोई ब्लॉग्स की नीयत से नहीं आए थे हम, लेकिन शानी भाई भाई हैं हमारे दोस्त हैं अच्छे, और अच्छे कारीगर हैं और अच्छे आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्टों के लिए जो है हर वक्त टाइम अवेलेबल है हमारे पास। ले मैं इंशाल्लाह दूसरे उसमें भी हाथ चेंज कर रहा हूँ। शानी भाई डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मोबाइल रख दो, कह नहीं रहे लेकिन वो जाहिर यही कर रहे हैं कि यार मोबाइल रख दो मुझे काम करने दो, तो इंशाल्लाह मैं सामने रख के आपको बता दूँ।
व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, शानी भाई जो है एक आर्टिस्ट है, जिन्होंने बहुत सारा काम किया, जैसे कि मेरे पीछे तस्वीरें भी लगी हुई जिसमें पाकिस्तानी काफी सारे आर्टिस्ट हैं, ड्रामा के और फिल्म के और तकरीबन फॉरनर्स भी हैं। तो शानी भाई का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और हमें यहाँ आके यकीन करें एक अजीब, मतलब जिसे कहते हैं ना सुकून दे माहौल। बस थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था कि जो लेडीज जाती हैं कितना इंतजार करवाती हैं, तो आज मुझे पता लगा कि इंतजार क्यों होता है। जब भी हम जाते हैं लेडीज को कुरान वगैरह लेने के लिए, तो वो इंतजार मुझे समझ में आया। आसान नहीं है लेकिन बेहतरीन वर्क है। आप मेरे अंदर जो फर्क देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ शानी भाई की आंखों की मेहनत है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी ऑफर्स लगी हुई है, काफी सारे डीले हैं, सरकारी मुलाजमीन के लिए तो बहुत ही जबरदस्त डीले हैं और प्राइवेट पर्सन के लिए भी काफी डीले हैं। और शानी भाई जो है कंप्लीट जो है आपको पैकेज देते हैं शादी ब्याह के मौके पे, बिल्कुल बिल्कुल जो है, और एक सेपरेट रूम है जिसमें स्पा और मसाज सेंटर की भी वो है। अभी अनकरीब ये बता रहे हैं कि लेडीज के लिए भी साथ में जो है ये कॉलर खोल रहे हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह यही ऑफर्स होंगे। बाकी जो है शानी भाई के इंटरव्यू करते हैं, शानी भाई से पूछते हैं कि उनके जहन में ये ख्याल कैसे आया और क्यों आया, क्या कोई प्रेशर है या वैसे ही उन्होंने मोहब्बत में किया। तो आए चलते हैं शानी भाई की तरफ। तो शानी भाई बहुत जबरदस्त आपका काम लगा, कब से काम कर रहे हैं और कितना एक्सपीरियंस है आपको, अपने बारे में कुछ बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं कि कब से आप कर रहे हैं और कैसे इस फील्ड में आना हुआ और आपने किस किस आर्टिस्ट के साथ काम किया और ये जो आपने ऑफर्स लगाई हुई इसके बारे में मुझे बताइएगा कि ये ऑफर्स क्यों लगाई हैं और सरकारी मुलाजमीन के अलावा किसके लिए ऑफर्स हैं और दूल्हा वगैरह जो आप तैयार करते हैं उसमें क्या पैकेजेस हैं आपके पास। अपना एक्सपीरियंस जो है सर 18 साल का है। अच्छा माशाल्लाह। 12 साल जॉब की, उसके बाद एक साल मैंने MD प्रोटेक्शन में काम किया। अच्छा। हम चैनल के साथ जबरदस्त। और परवाज़ है जुनून मूवी में जो है ना काफी अच्छा। ओ ग्रेट, परवाज़ है जुनून मूवी में। अच्छा अच्छा जबरदस्त। और फिर उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 2 साल से, आज माशाल्लाह काफी ग्रो कर रहा है। अच्छा जबरदस्त। तो ये जो ऑफर्स आपने लगाई हैं ये इसके बारे में मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ये ऑफर मैंने कहीं भी नहीं देखी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं घुमाऊँ बहुत सी जगहों पे। कुछ ऐसा है कि ट्रेनर बच्चे जो हैं एज अ पुलिस के, जी जी, वो मेरे फ्रेंड भी रहे हैं बचपन से। अच्छा। तो हाँ लाइक मतलब दोस्तों के लिए आपने ये ऑफर किए, दोस्तों को देख के रख ली। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है शानी भाई का कि इन्होंने दोस्तों को देख के रख लिए कि वो मतलब उनके रंग वगैरह जल गए थे ट्रेनिंग में, या नहीं इस तरह कुछ वजह नहीं, मतलब उनका इखलाक एक तो ऐसा हो जाता है ट्रेनिंग के बाद कि उनकी मैं मर गई है और वो मेरे जैसे हो गए। अच्छा, शानी भाई का कहना है कि जो ट्रेनिंग करके आता है तो उसकी मैं मर जाती है, बाकी बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है उनमें। अच्छा। और दूसरा फिर हमारे मुल्क के मुहाफिज हैं तो उनके लिए तो कुछ भी हक बनता है, तो यहाँ मुझे जाया नहीं लगा। अच्छा। मैंने कहा हाँ कर देंगे पोस्ट जो है 50%। अच्छा। और तो बिल्कुल, मतलब शानी भाई का कहने का मतलब यही है कि ये जो हमारे मुहाफिज हैं, मतलब जो यूनिफॉर्म पर्सन है, वो ड्यूटी सख्त होने की वजह से उनकी चेहरा जिल्द अपने आप को मेंटेन करने का टाइम नहीं मिलता। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे साफ सुथरे घरों के बच्चे जो है ना ट्रेनिंग के बाद आते हैं और काले पीले हो जाते हैं। हाँ, ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है ना धूप की वजह से और इसकी वजह से, जाहिर सी बात है। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए कि उनको कंटिन्यूटी पे एक सिस्टम। अच्छा, तो मतलब इनका इन शॉर्ट जो है शानी भाई के कहने का मतलब यही है कि जो बच्चे ट्रेनिंग वगैरह से आते हैं या जो नौजवान या जवान हमारे ट्रेनिंग से आते हैं तो वो आए और अपना चेहरा दोबारा से वैसे ही ग्रो करवाएं, बिल्कुल धूप की वजह से दस्त की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अच्छी और उनके लिए जो है ना, जब जो यूनिफॉर्म पर्सन होते हैं उनको तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता, ऑफिस वर्कर तो फिर भी आ जाते हैं, तो इसलिए आपने ये ऑफर रखी है। अच्छा, ये ऑफर महदूद मतलब लिमिटेड टाइम के लिए या अन्य कभी भी आ सकते हैं? नहीं नहीं, मतलब वो अब स्टार्ट हो गई है तो वो पोस्ट मेरी रोज लगती है। अच्छा, खत्म तो नहीं होगी ये? ऐसा नहीं है कि मैं 2-2.5 महीने बाद आऊं तो आप बोले नहीं जी चेक ले आओ बिल बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा शानी भाई, एक चीज़ मैंने और देखी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो भी अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल, तो कॉस्ट नुकसान में नहीं जाता इतना, बिल्कुल 50% आप किसी को जो है फेवर दे देते हैं या डिस्काउंट दे देते हैं, तो क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं मैं देख रहा था सारी मल्टीनेशनल कंपनी की और अच्छी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें कुछ वारा खा जाता है आपको? जाहिर है इतना बड़ा आपने बिजनेस लिया हुआ है। मुझे नुकसान ही बताता है कि फायदा कैसे होगा। अच्छा, बेहतरीन, मतलब शानी भाई कह रहे हैं कि शानी भाई को नुकसान तो बताता है। कुछ नुकसान जो है ना वो जरूरी होते हैं, कुछ नुकसान जरूरी होते हैं। हाँ। अच्छा, ये बात, कुछ नुकसान जो है बिजनेस में चलते हैं वो उन्हीं के साथ चलता है सिस्टम ना, मतलब तो आप इसको अच्छा नुकसान कंसीडर नहीं करते, ये नुकसान नहीं है। अच्छा शानी भाई, जैसे जो प्राइवेट लोग आते हैं जैसे दूल्हा तैयार होता है तो उसके लिए कोई कंप्लीट पैकेज? हाँ, 3 दिन के पैकेजेस हैं हमारे, हम देते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, काफी हमने जो है बिफोर आफ्टर के दूल्हे भी डाले हैं, बहुत जबरदस्त। और दूल्हा पैकेज फेशियल और ये सारी चीजें तो अलग चीज है जी, बट दूल्हे का लुक जो है ना
अच्छा ग्रूमिंग पूरी आप करते हैं? हाँ, लुक जो है ना वो मायने रखता है। अगर उसका हेयर कट और उसका खत उसके फेस के मुताबिक हो गया तो मतलब फिर फेशियल भी कोई मायने नहीं रखता। अच्छा शानी भाई का मतलब ये है कि अगर दूल्हा जो है हाँ बिल्कुल आपने अब मेरा जो है फेस आपको नज़र आ रहा होगा, आप देखें कि जब मैं आया था तो किस तरीके का था। अब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और कैमरे के बिल्कुल सामने, कोई डगी छुकी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शानी भाई ने एक नया लुक सा दिया है। जो आप मेरे चेहरे पे ग्रूमिंग देख रहे हैं वो इतनी घंटों की मेहनत है, मैं ब्लॉग की वजह से जो है पूरी वीडियो नहीं डाल सकते, इसलिए मैं उसको फास्ट करके डालूंगा। और शानी भाई के जो कॉन्टैक्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इनके जितने लिंक्स है वो सारे मैं दे दूंगा। तो बराए मेहरबानी एक दफ़ा मेरे कहने पर एक दफ़ा लाजमी जो है आप शानी भाई के पास आइएगा और सिर्फ इनकी सर्विसेज देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन माहौल है, बहुत पुरसकून माहौल है, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर आने की। लाइटिंग और जिस तरीके से इन्होंने थीम अपना रखा हुआ है आउट क्लास थीम है। और जो इनकी कॉस्ट है ना, यकीन करें आपके जो मैं किस तरह आपको बताऊं कि जो बहुत ज़्यादा मतलब किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन जो सलून्स है ना उनके मुकाबले का जो है यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स जो है ये शानी भाई इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के मुकाबले की जो सर्विसेज देते हैं। लेकिन जो शानी भाई बिल चार्ज करते हैं ना, अभी जब शानी भाई ने मुझे बताया कि यार हम इस पैकेज के इतने चार्ज करते हैं तो यकीन करें मुझे यकीन ना आया। मैंने कहा शानी भाई नुकसान में आता है ज़ाहिर सी बात है, इतनी लाइटिंग इतनी सारी लेबर ये वो। शानी भाई ने बोला नहीं अल्लाह मेरा पूरा करता है, बेशक अल्लाह ही सबका पूरा करता है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दफ़ा ज़रूर जो है शानी भाई के पास आइएगा। लोकेशन भी मैं जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और शानी भाई का कॉन्टैक्ट नंबर उनकी जितनी आइडियाज़ हैं। शानी भाई थैंक यू सो मच, आपका टाइम लिए हमने बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच।